आप सुंदर दिखना चाहते हैं, कौन कौन सुंदर दिखना चाहता है और कौन कौन सुंदर दिखने के साथ हेल्दी भी रहना चाहता है, और क्या हम सिर्फ अपने आप सुंदर दिखना चाहते हैं, क्या खुद ही हेल्दी दिखना चाहते हैं? डोंट वी वॉन्ट आवर फैमिली टू बी हेल्दी? चाहते हैं ना कि हम सब हमारी फैमिली को खुशहाल जिंदगी दे सके। पर एक बात बताइए, अगर आप खुद ही हेल्दी नहीं होंगे, खुद ही फिट नहीं होंगे, तो अपनी फैमिली को कैसे फिट रख पाएंगे? कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम से मैं भी गुजरी हूँ। सेम प्रॉब्लम्स आई वॉज फेसिंग फॉर क्वाइट सम ईयर्स। कॉलेज में थी तो बहुत स्लिम ड्रीम थी, 44 kg मेरा वेट था। पर टीचिंग लाइन में आ गई और टीचिंग लाइन में धीरे 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 मेरा वेट ड्रास्टिकली बढ़ता चला गया और 2 साल पहले मैंने 70 क्रॉस कर दिया। ताजुब हो रहा है ना, मुझे भी ताजुब, बहुत झटका लगा था जब मैंने मीटर पे देखा कि 70 किलो। माय गॉड, 44 से 70 किलो में मैं पहुंच गई थी। दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज फॉर मी। बच्चों की स्कूल में पीटीएम में जाती थी तो सेकंड फ्लोर में पहुंचते मेरी सांस फूलने लगती थी और उस समय लगा कि भैया अलार्मिंग बेल्स बज गई है, नाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड एट दैट टाइम वेलनेस केम टू माय रेस्क्यू। मैंने ऑफिस जाके अपनी टीम के साथ वेलनेस की ट्रेनिंग अटेंड करी और वेलनेस को अपने डेली रूटीन में इंट्रोड्यूस किया। आई स्टार्टेड टेकिंग शेक इन द मॉर्निंग अलॉन्ग विद ओमेगा 3 एंड SPC कैप्सूल्स, और साथ ही साथ मैंने एरोबिक्स क्लासेस ज्वाइन कर ली और कोशिश करती थी कि डेली मेरे कम से कम 10,000 स्टेप्स को मैं पूरा कर सकूँ। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई फेल्ट दैट आई वॉज फीलिंग मच